दिल्ली चलते हैं आपको रांची, जहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपना संबोधन दे रहे हैं। लास्ट सेंचुरी का काफी लोग को ये एक सर था, बिहार उड़ीसा तो सेपरेटेड हुआ 1935 के बाद, तो हमारा संस्कृति, हमारा जो दैनंदिन आचार आचरण जीवन चर्या हो रखा है वो एक अपोजिट कल्चर का हिसाब से हम मानते हैं। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए ये रविंद्र भवन प्रकल्प का कार्यक्रम का मान्यता देते हुए आज अनुष्ठानी शिलान्यास का आयोजन है। रविंद्रनाथ टैगोर आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा कलाकार था, हमारा देश का अनऑफिशियल एम्बेसडर रहा, दूर दूर तक बहुत सारे देश में, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया पार होने पर, अटलांटिक पार होने पर, पैसिफिक पार होने पर, ऐसा देश कम है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भारत के कल्चर, भारत के लोगों का जो परंपरा, ये परंपरा को नहीं मानती, इसलिए लोगों ने मानता है ये उन्होंने हमारा नॉन ऑफिशियल एम्बेसडर था जो देश देश में भारत के बानी, भारत के संदेश लोगों को, इसलिए कुछ रोज पहले 2011 मैं जब सरकार में था, वित्त मंत्री था, रविंद्रनाथ टैगोर का 150 ईयर समारोह मनाने का सिद्धांत था, मुझे बड़ी जिम्मेदारी आया जो भी कार्यक्रम को कमेटी में तय किया वो इम्प्लीमेंट कर, तो उसी टाइम में एक सजेशन था कि सारे देश देश में जब हमने उनकी सेंटेनरी ऑब्जर्व किया तब हर स्टेट का राजधानी में एक रविंद्र भवन बना, तो 1961 में हुआ, उसी टाइम तो राजधानी राजघाट का सेपरेट स्टेट नहीं थे, इसलिए इधर नहीं बन पाया, तो एक अभाव था, एक कमी था। मैं रघुवीर जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने वो कमी पूरा किया। मैं मेरे शुभकामना देता हूँ कि ये कार्यक्रम जितना जल्दी हो सकता पूरा प्रकल्प बन जाए, लोगों का सुविधा हो। और हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस ड्यूटी होता है। हर मुसलमान चाहते हैं ये कम से कम जिंदगी में एक दफे उन्होंने हाथ जाकर, प्रोफेट से एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं नबी से, हजरत मोहम्मद से, मक्का मदीना, एक दफे उन्होंने जाकर उनका दुप्रिया प्रार्थन नमाज पढ़ा। तो मैं जानता हूँ
भारत के विदेश दफ्तर में ये एक डिवीजन है जो ये हॉज पिलग्रिमेज का बंदोबस्त करता है। बहुत रोज मुझको मौका मिला भारत सरकार की विदेश मंत्री के हिसाब से काम करने, जो जो देश से वो पिलग्रिम आता है हज करने के लिए, सऊदी अरेबिया छोड़कर जिसमें मक्का मदीना है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भी ज्यादा बांग्लादेश से भी ज्यादा हज पिलग्रिम भारत से जाता है। तो मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को दोबारा बधाई देना चाहता हूँ, ये उन्होंने ये सोचा ये हज पिलग्रिम्स के लिए इधर एक हज हाउस बनाना चाहिए, नहीं तो ये लोग को चाहे पटना हो चाहे कोलकाता हो उधर जाना पड़ता है। तो अभी रांची में उनकी राजधानी में ये एडवांटेज उनको मिलेगा, ये बंदोबस्त आपने किया मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से मैं अलग नहीं है, मैं ही झारखंड का अंश हूँ, पार्ट हूँ, तो मैं जरूर आपका जवाब दूँ, आपका भाषण दूँ, मेरे जो भी मन में आया मैंने शेयर किया, गलती को जरूर हुआ, इसीलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जय हिंद। मैं